गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास UKG, सब्जेक्ट हिंदी। टुडेज़ योर टॉपिक इज़ औ की मात्रा के शब्द। चित्र देखकर शब्द लिखो। आपको औ की मात्रा के शब्द वन लाइन में या आपने हेडिंग डाली, फिर नीचे लाइन में लिखना है चित्र देखकर शब्द लिखो। इतना हो गया सबका। इसके बाद सबसे पहले आपको ये पिक्चर नोट डाउन करानी है अपने घर में पेरेंट्स से। ये वाली नौका, चौथाई, बहुचाल, चौखट, और यहाँ फ्रंट में है ना, ये नौ, औषधि, औजार, और ये चौराहा। सबने नोट करवा ली। अब मेरे साथ वर्क स्टार्ट करेंगे। देखिए, ये है नौ। इंग्लिश में आप क्या कहते हैं इसको? नाइन। हिंदी में क्या कहते हैं? नौ। तो लिखेंगे मेरे साथ नौ। ना में औ की मात्रा, ना में औ की मात्रा नौ हो गया। नेक्स्ट पिक्चर देखिए, ये क्या बनी हुई है? ये दवाइयाँ बनी हुई है ना, इसको क्या कहते हैं हिंदी में? औषधि। क्या बोलेंगे? औषधि। लिखिए अ, अ में औ की मात्रा औ, श धि, ध में छोटी की मात्रा धि, औषधि। नेक्स्ट पिक्चर देखिए, क्या बना हुआ है? औजार। लिखिए अ, अ में औ की मात्रा औ, जा, ज में आ की मात्रा जा, र, औजार। नेक्स्ट देखिए, क्या है ये? चौराहा। चौराहा के लिए लिखेंगे च, च में औ की मात्रा चौ, रा, रा में कौन सी मात्रा की आवाज़ है? आ की। कौन सी मात्रा है ये? आ की। हा, हा में भी आ की, चौ रा हा, चौरा हा। नेक्स्ट देखिए, क्या बनी हुई है ये? नौका। नौका बेटा, इसको नाव भी कहते हैं, नैया भी कहते हैं, और नौका भी कहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर एग्ज़ाम में आपका आता है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। तो जो भी ऑप्शन आएगा आपका, या फिर आपको सेल्फ से भी लिखना पड़े, तो आप कुछ भी तीनों में से लिख सकते हैं, नौका, नैया या नाव। अगर ऑप्शन आता है तो इन तीनों में से एक ही ऑप्शन आएगा जिस पर आपको टिक करना होगा, ठीक है। तो अब लिखिए नौ। न में औ की मात्रा नौ, का, का में आ की मात्रा की आवाज़ है ना, नौ का। नेक्स्ट पिक्चर देखिए, क्या है ये? क्या बना हुआ है? चौथाई। तो लिखिए च, च में औ की मात्रा चौ, था, था में आ की मात्रा था ई, चौ था ई, चौथाई। नेक्स्ट है, क्या बन रही है ये? इसको बारिश भी कहते हैं, और क्या कहते हैं? बहुचार। लिखिए ब, ब में औ की मात्रा बहु, छा, छ में अ की मात्रा छा, र, बहुचार। नेक्स्ट पिक्चर देखिए, क्या है ये? चौखट। चौखट के लिए लिखिए च, च में औ की मात्रा चौ, ख, ट, चौखट, चौखट।